नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 20 जुलाई मंगलवार शाम 4 बजे राजस्थान श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ की खास खबरें। जोधपुर जिले के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में 14 लाख रुपए की लूट होने की जानकारी सामने आई है। मिली जानकारी के अनुसार यह घटना हुडको क्वार्टर के पास की बताई जा रही है, जहाँ एक गुटखा व्यवसायी से अज्ञात नकाबपोश बदमाशों ने 14 लाख रुपए की लूट कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। वहीं पुलिस कमिश्नर जॉस मोहन मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। श्रीगंगानगर जिले के सादुलशहर थाना क्षेत्र के गांव खैरूवाला में एक व्यक्ति ने फांसी लगा ली, इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि खैरूवाला गांव में 27 वर्षीय युवक संजय कुमार ने फांसी लगा ली थी। उसको सरकारी अस्पताल में लाया गया, वहां पहुंचते ही डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मोहित कुमार द्वारा दर्ज करवाई मर्ग रिपोर्ट में बताया कि संजय मानसिक रूप से परेशान रहता था, इसी कारण उसने यह कदम उठा लिया। पुलिस संजय द्वारा फांसी लगाने के कारणों की जाँच कर रही है। हनुमानगढ़ जिले के नौहर थाना क्षेत्र में हरियाणा से अपने ससुराल में आए एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इसके शव को नौहर के सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस ने बताया कि हरियाणा से सुरेश कुमार नामक युवक नौहर से अपने ससुराल में आया था, वहां उसने कोई जहर खा लिया। सुरेश कुमार का अपनी पत्नी नीतू के साथ घरेलू विवाद चल रहा था। इस बात को लेकर नीतू काफी दिनों से पीहर में रह रही थी। सुरेश कुमार नीतू को लेने ससुराल गया था, वहां उसकी बोलचाल हो जाने पर उसने जहर खा लिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पंजाब के लुधियाना जिले के जगराओ शहर के गांव सवदी में उस समय हंगामा हो गया जब गांव की ही दो लड़कियों ने आपस में शादी रचा ली। परिवार के लोगों को तब पता चला जब दोनों लड़कियों की शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो में दोनों लड़कियां एक दूसरे को वरमाला पहनाती नजर आई। इतना ही नहीं, एक लड़की ने दूसरे की मांग में सिंदूर भी भरा। वीडियो में दो लोग और शामिल थे। इस वीडियो के सोशल मीडिया पर सामने आते ही पूरे गांव में हड़कंप मच गया। परिवार वालों ने भी लड़कियों को अपनाने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि दोनों परिवार उक्त लड़कियों को बेदखल करते हैं। हालांकि फाइटर वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। श्रीगंगानगर जिले के पदमपुर थाना क्षेत्र में कोचिंग जाने का कहकर घर से आई एक लड़की लापता हो गई है। इसका कहीं भी पता नहीं चला है। लड़की के पिता ने थाना में गुमशुदगी दर्ज करवाई है। पुलिस ने बताया कि कस्बे के निवासी एक व्यक्ति ने बताया कि उसकी पुत्री घर पर कोचिंग जाने का कहकर गई थी। उसके साथ उसकी दो सहेलियां भी थी, लेकिन वह अचानक लापता हो गई। पुलिस युवती की तलाश कर रही है। बूंदी जिले के केशोराय पाटन थाना क्षेत्र के कोटा दोसा मेगा हाईवे पर आडागेला के बालाजी मंदिर के पास तेज रफ्तार कार द्वारा बाइक सवार तीन लोगों को रौंद दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने तीनों को कोटा के MBS अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां इलाज के दौरान घायल 45 वर्षीय प्रहलाद निवासी बालिता खेडली की मौत हो गई। वहीं हादसे में गंभीर दो घायलों का उपचार चल रहा है। पुलिस ने कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। हनुमानगढ़ जिले के रावतसर थाना क्षेत्र में एक विवाहिता को ससुराल वालों ने दहेज के लिए मारपीट कर घर से निकाल दिया तथा विवाहिता की छोटी बहन को उसके मोबाइल फोन पर अश्लील मैसेज करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस ने विवाहिता के पति को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने बताया कि एक व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज करवाया है कि उसकी बहन रोशनी की छतरगढ़ में निहालचंद के साथ शादी की थी। शादी के दो साल बाद ही ससुराल वाले दहेज के लिए परेशान करने लग गए। आरोप है कि कुछ दिन पहले निहालचंद ने रोशनी के साथ मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया था। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। पाली जिले के रोहर थाना क्षेत्र के दानासनी गांव में बहन के घर पर पहुंचे दो भाइयों गोविंद तथा गणपत के बीच आपसी कहासुनी ने एक साल की भतीजी रोशनी की जान ले ली। झगड़े के दौरान गणपत ने अपने हाथ में लाठी से गोविंद पर वार करने का प्रयास किया। यह लाठी भाई के लगने की बजाय उसकी भतीजी रोशनी के सिर पर लग गई, जिससे उसकी मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि गोविंद तथा उसका सगा भाई गणपत बावरी दानासनी में रहने वाली अपनी बहन के घर पर परिवार समेत पहुंचे थे। दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। गैंगस्टर विक्रम उर्फ पपला गुज्जर की सुरक्षा मांगने से जुड़े मामले में जस्टिस नरेंद्र सिंह डड्डा की अदालत में सुनवाई टल गई। अब मामले में 6 सितंबर को अगली सुनवाई होगी। बता दें कि गैंगस्टर पपला गुज्जर अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में बंद है। याचिका में पपला ने अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में अपनी जान को खतरा बताया है, साथ ही जेल में खाने में जहर देकर हत्या करने की आशंका जताई है। बीकानेर जिले की जामसर और लूनकरनसर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नेशनल हाईवे पर श्रीगंगानगर शुगर मिल का एक टैंकर पकड़ा है। पुलिस टैंकर को पकड़कर जामसर थाना ले लाई है। मिली जानकारी के अनुसार बीकानेर के SP प्रीति चंद्रा को सूचना मिली थी कि जामसर थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर एक श्रीगंगानगर शुगर मिल का कैंटर खड़ा है।
इस कैंटर में स्प्रिट की मिलावट की जा रही है। संभावना है कि टैंकर में शराब भरी हुई है। सूचना की तस्दीक करने के बाद लूनकर अंसर डीएसपी और जामसर थाना पुलिस को कार्रवाई के निर्देश दिए थे। पुलिस चालक और खलासी से पूछताछ कर रही है। श्रीगंगानगर शुगर मिल के अधिकारियों को सूचना देकर मौके पर बुलाया गया है। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।